नमस्कार साथियों, राजस्थान में स्कूली शिक्षा का सिलेबस पूर्ण रूप से बदल गया। एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो गया, लेकिन उसमें राजस्थान की कल्चर, संस्कृति, यहाँ के इतिहास से संबंधित कुछ भी नहीं है। इसके लिए सरकार ने कुछ अलग बुक्स लागू की हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से 8 तक हमारा राजस्थान के अलावा कक्षा 9, 10, 11, 12 में एक एक नई बुक लगाई गई है जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण पुस्तक साबित होगी। इन सभी पुस्तकों के बारे में हम चर्चा करके एक एक बात आपको बताने वाले। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पाठ्यक्रम को कर राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नया एक शेड्यूल जारी किया गया, उसी की हम इसमें चर्चा करेंगे, इसलिए 2-3 मिनट आप वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, राजस्थान के विद्यालयों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो गया, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ना काफ़ी नहीं है। अब आप कहेंगे स्टेट बुक भी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा 4 नई बुक इंट्रोड्यूस की गई है। राजस्थान के जो शिक्षा निदेशक, उन्होंने खुद बताया यहाँ 6 से 8 में एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो गया है, लेकिन आप ये देखेंगे कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम अपने आप में कंप्लीट नहीं है रीट की या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कक्षा 6 से 8 में नई बुक आई है, उसका क्या क्या नाम है। तो नई बुक है वो पहले भी आपके आ चुकी है, जिसका नाम था हमारा राजस्थान। इस शीर्षक से वो बुक्स पहले निकाली गई थी। कक्षा 6 में, कक्षा 7 में और कक्षा 8 में तीनों किताबें हैं, तो 3 तो आपको हमारा राजस्थान पढ़नी है। अब आपकी उससे भी इम्पोर्टेंट बुक है कक्षा 9 से 12 पर, जिसमें आपको कला, संस्कृति और राजस्थान के इतिहास का पूरा नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बात कही गई है कि कौन कौन सी कक्षाओं में कौन कौन सी बुक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा 9वीं और 10वीं की। तो यहाँ पर 9वीं की एक बुक है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और ये परंपरा, ये बुक मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने का भी प्रयास करूंगा। इसके अलावा कल हम लाइव आकर इस पूरी बुक का स्टडी करेंगे कि इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं। इसके अलावा 10वीं में कोर्स नहीं बदला, लेकिन एक नई बुक यहां पर दे दी गई है कि राजस्थान का, उसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये बुक आपको जरूर पढ़नी है, प्रतियोगी परीक्षा में 99% ऑथेंटिक बुक यही रहने वाली है। 11th और 12th में भी जो नई बुक्स हैं उनमें देखेंगे आप, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, ये इसी साल लागू की गई है। इसमें भाग प्रथम और सेकेंड दोनों है, भाग प्रथम कक्षा 11 के लिए और भाग 2 कक्षा 12 के लिए। राजस्थान जीके के लिए ये रामबाण पुस्तकें मानकर आप इसको तैयारी करें। ये ऑर्डर जो है वो राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सौरभ स्वामी के साइन से ये जारी किया गया है, अभी की ताज़ा ये अपडेट है। और ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये सरकारी विभागों को यहाँ पर निर्देशित करते हुए ये लेटर जारी किया गया 18 सितंबर की तारीख में। आज जैसे ही हमें प्राप्त हुआ, हमने आपको इसको अपडेट कराया। कल हम इन चारों बुक्स की, जो कक्षा 9 से 12 तक है और 6 से 8 तक की हमारा राजस्थान को लेकर मैं लाइव आऊँगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट वाइज हम चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ ये रीट और फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस में मैच हो रहा है। इसलिए वो वीडियो आप मिस न करें। नए स्टूडेंट हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबाएँ, पुराने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।